देखने से पहले आप जाइए, सबसे पहले मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, ठीक। इस नाम से आप सर्च करें, कहीं भी क्रोम में, गूगल में, कहीं भी जाके आप सर्च करो, आपको ये चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये टॉपिक है हॉस्टल वाला चर्चा से संबंधित। आगे वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप सीजी वापन जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो सर, वीडियो में आप कहीं भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, या सीजी वापन में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप YouTube में किसी और से आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, कोई भी, मैं आपको नहीं कहूँगा, मेरे ही चैनल से कीजिएगा, कोई भी YouTube चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर कोई डाउट है, क्लियर है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, कंप्यूटर से चर्चा रिलेटेड करेंगे जो आपके एग्जाम में इस प्रकार के संभवतः संभावित पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने आप वीडियो देख पा रहे होंगे। आज का जो ये वीडियो है हॉस्टल वार्डन से संबंधित है, जिसमें कंप्यूटर का 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप जितना जरूरत है उतना पढ़िएगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से आते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और किस बुक से पढ़ना है आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि जब भी मैं आपको ऐसे वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस बात पर आप ध्यान रखना कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आज से इस चैनल पर डेली कंप्यूटर के क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलेगी, आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेगा ही, लेकिन आपको जो मेंबरशिप की क्लास रहती है उसमें आपको 499 रुपये की फीस है। आप YouTube पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तैयारी कैसे करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर, ठीक। हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर के 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप कंप्यूटर के सिलेबस अवश्य देखिएगा और जितना जरूरत है उतना पढ़िएगा। क्या है, देखिए, एग्जाम में आपको क्लियर करना है, ना कि आपको ज्ञान देना है ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद रखना कि थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाइएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपको एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक के बारे में। तो आप बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बुक इससे याद रखना कि आप कोई एक बुक टॉपिक पढ़िएगा, एक बुक को ही पहले पढ़िएगा। जैसे मैं बात करूँ, आप देख पा रहे होंगे ये आपका परीक्षा मंथ है, उसी प्रकार आपका जो है हरिराम पटेल की जो बुक भी आती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक बुक टॉपिक उठाइए पढ़िएगा, सभी बुक सफिशियंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉस्टल वाड़ा के कंप्यूटर क्लास करने से पहले सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक। अब मैं बात करूँ जो परीक्षा मंथन है, ठीक, आप देख पा रहे होंगे जो परीक्षा मंथन की जो बुक है, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आप यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ने से पहले, ठीक, सिलेबस आप देखिएगा, तो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय देखिए। अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेट से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 5 से 7 प्रश्न आपके इंटरनेट से पूछे जाएंगे, जैसे कि सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, है ना, और एंटीवायरस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज, सीरीज बाय सीरीज बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनते जाइएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। और जो भी एग्जाम है, जैसे सीजी व्यापम है, उसमें हॉस्टल वार्डन है, प्रयोगशाला परिचालक, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे परीक्षाएं हैं। अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर से बात करूँ यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर का परिचय, इसके बाद देखिए कंप्यूटर का उद्भव और विकास। अब वहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ी, पीढ़ी से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से कंप्यूटर की पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, कौन सा प्रोसेसर है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक। उसके बाद है एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, मैं आपको पूरा सीरीज बाई सीरीज बताऊँगा, ठीक। कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है।
मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत से ये वीडियो ये टॉपिक लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक ठीक इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है आप देख लीजिएगा कंप्यूटर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनपुट आउटपुट जैसे कि प्रिंटर, ठीक प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ से प्रिंटर से बनेंगे और हर एक एग्जाम में प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अब मैं प्रिंटर में बात करूँ तो प्रिंटर में क्या क्या पूछता है, तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर के वर्गीकरण में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट डेजी इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर से एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आता ही है कोई भी एग्जाम। इसके बाद मैं बात करूँ मेमोरी, सभी की सभी क्लासेस करा चुका हूँ मैं, पिछले वीडियो में जाइए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर का जो टॉपिक मैंने वीडियो में डाला है पूरा सफिशियंट है। ठीक है, जाके आप रिवीजन कीजिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एनालिसिस कीजिएगा, बार बार उसको रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है बताऊँ आपको, अगर आप यूट्यूब में तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है, आप देख भी पा रहे होंगे, मैथ्स एजुकेशन बाय रूपेश सर के नाम से आप जाइए, सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या करोगे, सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे मेरे चैनल में मैथ्स एजुकेशन बाय रूपेश सर, पूरा पूरा टॉपिक उसको लिखना है, पूरा जो सर्च करोगे उसको, वरना कोई और चैनल आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा चैनल सर्च करना चाहते हो गूगल में सर्च करो, क्रोम में कहीं भी सर्च करो, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब मैं बात करूँ यहाँ पर मेमोरी से, अब मेमोरी में मेमोरी का वर्गीकरण है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चुंबकीय, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड, कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस नहीं है। ठीक, और डीवीडी, सीडी, जैसे सीडी की भंडारण क्षमता आपको खुद दी जाए, इसकी क्षमता कितनी होती है, एग्जाम में बार बार यही से पूछा जाता है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क है ना, तो इसकी क्षमता कितनी होती है, क्या होती है, जैसे सीडी का कम्पैक्ट डिस्क का फुल फॉर्म यहाँ से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, मैं जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसको मैं कवर कराते चल रहा हूँ। ठीक, मेमोरी में पता है, उसके बाद है रीम, रोम है ना, भंडारण क्षमता, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक पूछा जाएगा उसको मैं आपको कवर कराते चलूँगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर में जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, अब मैं बात करूं जैसे कि संख्या पद्धति में, तो संख्या पद्धति को मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहां पर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसमें नहीं है, क्या शामिल है, सॉफ्टवेयर के प्रकार, बूटिंग है ना, फर्मवेयर, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रीवेयर, और फ्लो चार्ट से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट आपने पढ़ा होगा है ना, पीजीडीसी या डीसी, जो भी आप तैयारी किए हैं, मतलब जो भी आप उसका कोर्स किए होंगे आपने। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क, अब देखिए नेटवर्क से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नेटवर्क से पूछता है। ठीक है, अब इंटरनेट की मैं बात करूं, तो इंटरनेट क्या होता है, कैसे विकास होता है, इंटरनेट के क्या कार्य हैं, जैसे कि आप यूट्यूब हमारे चैनल पर देख रहे हैं। ठीक, तो इंटरनेट क्या होता है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का जाल इंटरनेट कहलाता है। आप इंटरनेट के बिना आप मुझे देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। डाटा के बिना आप व्हाट्सएप चला पाएंगे, कुछ सर्च कर पाएंगे गूगल में, नहीं कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर आप पर्सनल देखना चाहते हैं तो आप देखिए, मैं यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो अभी वीडियो में जो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर देख पाएंगे, गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल को सर्च करोगे मिल जाएगा। इंटरनेट के बिना जैसे डाटा है, आप डाटा नहीं है आपके पास तो आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा।
क्लियर समझ में आई आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ। अब बात करूं नेटवर्क डाटा सुरक्षा में स्पैम ट्रोजन एंटीवायरस। अब एंटीवायरस से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं पूरा टॉपिक बताऊंगा और जितने भी जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का उसको एक पीडीएफ में है और उसको पूरा सिलेक्ट करके एक कंप्यूटर का कोर्स में उसको अपलोड करूंगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आज मैं वही काम करूंगा, जो जितने भी पुराने जो वीडियो हैं और जो पुराने वीडियो हैं उनको मैं एक बार फिर से नए प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको जितने भी टॉपिक पूछे गए उसको बस पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अगर आप डेली करते हैं, अगर मैं आपको 50-50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ एक एक दिन में, तो जो 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन के बराबर रहता है। जैसे कि अगर मैं 50 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें पूरा आपको और भी क्वेश्चन जो है मिलते जुलते एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, विंडोज है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपको फुल फॉर्म यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा या जूम करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक में बता दे रहा हूँ आपको, परीक्षा मंथन है या फिर कोई भी आप बुक लीजिएगा, सब सफिशियंट होता है, बस आपको पूरा पढ़ना होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। क्या करोगे तैयारी करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और सामने फेस टू फेस भी आपको क्लास रहेगा, ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं चैनल का नाम बताया, क्या बताया, मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर के नाम से आप सर्च कीजिएगा, चाहे गूगल में, क्रोम में, कहीं भी जाके आप सर्च करो, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी डाउट है कहीं भी, अगर कोई भी परीक्षा पे डाउट होता है या कोई भी जैसे मैथ्स है, टेक कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके इस चैनल पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही।